नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। काफी सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कट ऑफ में वीडियो काय को नहीं आ रही है आपकी, अब आपको क्या हो गया है। तो देखिए दोस्तों, हुआ कुछ नहीं था, एक्चुअल में मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था, वरना मैं अगले दिन को या उसी दिन वीडियो बनाता जरूर इस टॉपिक पे। हालांकि ये कट ऑफ काफ़ी निराशाजनक है, सारे यूट्यूबरों के तुक्के रखे के रखे रह गए, मतलब किसी का भी काम नहीं आया है। कोई बहुत ज़्यादा बता रहा था 140 और 45 के आसपास जा रहा, तो बताने वाले जो ज़्यादा संख्या थी उनमें मैं भी शामिल था, मुझे भी कह सकते हैं, लगभग आइडिया ये था कि 125 से 130 के बीच में लगभग कैटेगरी की कट ऑफ लगेगी और इसी में लगभग सारी कैटेगरी निपट जाएंगी। लेकिन कट ऑफ 130 को भी पार कर गई सारी कैटेगरी की। अब यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखिए, हालांकि आप इसको कई कई बार देख चुके होंगे ना, नॉट एलिजिबल लिख के बहुत सारे दोस्तों का आ रहा है, मतलब यहाँ पे उन दोस्तों का नुकसान हो गया जो इस एग्जाम को हल्के में ले ली। कहने का मतलब यह है दोस्तों, बच्चे अब पढ़ाई कर रहे हैं और ठीक ठाक वाली पढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी सारे दोस्तों का आरोप यहाँ यह है कि सर मेरे तो 137-138 के आसपास हैं, तब भी सर मैं क्वालिफाई नहीं हुआ हूँ, पता नहीं क्या चक्कर है। अगर आपके साथ भी दोस्तों को ऐसी दिक्कत है तो कमेंट्स करके बताइए, फिर उसके लिए एक आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आपके नंबर वास्तव में ही ज़्यादा हैं या फिर आपने कैलकुलेशन करने में मिस्टेक कर दी होगी, मतलब नंबरों को जोड़ने में कोई गड़बड़ हुई होगी, अगर वास्तव में आपने नंबर सही जोड़े और नंबर आपके ज़्यादा बन रहे हैं और आप क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो फिर उसके हिसाब से दोस्तों उसके लिए आवाज़ उठाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप देख लीजिए अच्छे से, अपनी OMR को चेक कर लीजिए, मतलब आंसर की को चेक कर लीजिएगा, कट ऑफ एक नज़र मारते हैं दोस्तों, हालांकि आप अच्छे से नज़र मार चुके हैं इस चीज़ पर। तो UR, OVC और EWS यानी कि तीनों की कट ऑफ बिल्कुल कोई अंतर नहीं, एकदम बराबर कट ऑफ लगाइए। EWS वाले उम्मीद लगा के बैठे थे कि सर हमारी तो कम नंबर है, हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि हमारी तो OBC से भी नीचे आएगी। उनके दिमाग में रेलवे वाला रिजल्ट चल रहा था कि सर रेलवे ग्रुप डी का आ रहा था, तो कई जगह की 40 पे निबट जा रही थी, 40, 45, 42, 43, लेकिन यहाँ अलग हो गया बिल्कुल, मतलब तीनों ही कैटेगरी की कट ऑफ एकदम इक्वल चली गई। SC की अगर हम बात करें दोस्तों, तो SC की कट ऑफ भी डेढ़ नंबर नीचे है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। ST की कट ऑफ 119.75 लगाई है, मतलब रिकॉर्ड तोड़ कट ऑफ लगाई गई है। महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा फायदा है, यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, 7.5 घटाए हैं बस, और मतलब पौना नंबर घटा के कट ऑफ लगा दी है, तो बहुत सारी लड़कियों का भी सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ है। हुआ है सिलेक्शन, अगर नहीं हुआ तो भी 5630 बच्चे कहाँ से आ गए। सबसे कट ऑफ जो गई है, ये बच्चे ही कम होते हैं, एक्स सर्विसमैन वाले ये बच्चे नहीं होते हैं, लोग होते हैं जो जॉब कर करके आ चुके होते हैं, 30-30, 35-35 साल, 40-40 साल की उम्र में ये लोग फॉर्म डालते हैं, तो इनकी कट ऑफ इतनी जाती है क्योंकि ज़्यादा पढ़ने लिखने में इतने नहीं होते हैं, सर्विस करके आए होते हैं ये लोग। 8.5 गुना बच्चा दोस्तों यहाँ पे ये पास किया गया है। मैं काफ़ी बोलता था जब मैं लाइव क्लासे करता था आप लोगों के साथ हिंदी की, तो बहुत बोलता था कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर लो, कट ऑफ कहीं भी जा सकती है। तो पेपर का जैसा पैटर्न आया था, जैसा उसमें GS पूछा गया था और रीजनिंग में मैथ डाला गया था, तो लग रहा था, मतलब देखिए क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के आधार पे ही टीचर को कट ऑफ के बारे में कुछ आइडिया लगता है बच्चों से पूछने के बाद। अब 117 कट ऑफ गई थी, 117 के बाद 17 नंबर आपने और 18 नंबर कट ऑफ और बढ़ा दी, और बल्कि 19 नंबर कट ऑफ बढ़ा के लगाई है। निगेटिव मार्किंग के बावजूद समझ में ये नहीं आ रहा है कि कट ऑफ इतनी चली कैसे गई। चली इसलिए गई क्योंकि भैया बच्चे मेहनत कर रहे हैं, इससे तो यही पता चलता है ना, भैया कट ऑफ तभी तो ज़्यादा जाएगी जब बच्चे मेहनत कर रहे होंगे। तो जिन दोस्तों का क्वालिफाई हो गया है फिजिकल के लिए, वो अपने अच्छे से तैयारी करते रहे, उनको अग्रिम शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करें दोस्तों। फिजिकल बहुत टाइट है इसका, और बच्चे इस बार ज़्यादा क्वालिफाई किए गए क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने 5 गुना बच्चे क्वालिफाई किए थे, तो वैकेंसी खाली छूट गई थी। इनकी कोशिश ये है कि कम से कम 655 पद तो यहाँ पर फिल हो जाने चाहिए। अब देखिए 5630 में कम से कम मान के चलिए 4000 बच्चा तो जाने ही वाला है, बहुत बच्चे हैं जो रेलवे वगैरह में SI वगैरह में चले गए, वो इधर लौट के नहीं आने वाले, तो 4000 में भी आप समझ के चलिए एक कड़ी टक्कर होने वाली। काफी सारे दोस्तों का सवाल ये कि सर मेरे 137-138 या 40 के आसपास है, मुझे तो डर लग रहा है कि सर फाइनल कट ऑफ और ना बढ़ जाए आगे को। तो अब जो कट ऑफ है दोस्तों बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, एक आध नंबर तो बढ़ेगी। देखिए क्या है, 4000 बच्चा अगर फिजिकल देने जाएगा तो दोस्तों कम से कम मान के चलिए यहाँ पे 1200 बच्चा भी क्वालिफाई कर गया, और आपके अगर 136-137 है तो आप किनारे पे, बहुत ज्यादा दूर नहीं है मतलब आप सिलेक्शन से बाहर होने के। 135.75 कट ऑफ लगी, इसका मतलब बच्चे इससे आगे ही हैं, इससे नीचे कोई नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना दोस्तों 1200 यहाँ पे, अगर 1500 भी हो गए ना, 1200-1500 के बीच में मुझे लगता है कि इस बार क्वालिफाई हो जाएंगे, 4000 बच्चा कम से कम कंडक्ट होगा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए, मेरा एक संभावना है। तो कट ऑफ दोस्तों ये निश्चित तौर पे बढ़ने वाली, और ये फिर जो कट ऑफ आप देख रहे हैं ना सर, इनकी ये सब इक्वल लगी, फिर 36 आरक्षण ये इस तरीके से लगा लगा के ये कट ऑफ थोड़ी आगे पीछे हो जाएगी, मतलब जनरल हाईएस्ट रहेगा उस टाइम पे जब फाइनल कट ऑफ इसकी आएगी, तो क्योंकि अच्छे बच्चे जो है वो जनरल में चले जाए, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है वो अपनी रिजर्व कैटेगरी में ही सिलेक्शन लेंगी। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सोचना है कि चलो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब मेरी तैयारी कहीं ना कहीं कम रह गई, है ना। कई बच्चे ऐसे हैं कि जो 135 पे अटके हैं, 34, 32, 31, 32, एक एक दो दो नंबर से जो अटके हैं, उन लोगों के दुख की पराकाष्ठा बहुत ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी डिसअपॉइंटिंग फील होता है कि जब एक एक दो दो नंबर से सिलेक्शन से बाहर होते हैं,
तो मैं समझता हूँ उस चीज़ का दुख क्या होता है। मैंने भी कंपटीशन में काफ़ी दिन रहा हूँ, है ना, और काफ़ी असफलताएं देखी हैं, तब जा करके एक छोटी सी नौकरी मिली। आप लोग दोस्तों मेहनत करते रहिएगा। आप सोचिएगा कि मेरी तैयारी इस परीक्षा के लिए बहुत अच्छी नहीं थी, ये समय है अपना आत्म अवलोकन करने का। आप अपना आत्म अवलोकन करिए और देखिए कि मेरी कहाँ कहाँ मिस्टेक हो गई। ऐसा तो नहीं कि मैंने रीजनिंग में बहुत गलतियाँ कर दी इसलिए मेरा सिलेक्शन कट गया, ऐसा तो नहीं हिंदी में मेरे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए। जहाँ पर आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए आप समझ के चलना आप वहाँ पर कमज़ोर हैं, उस चीज़ पर काम करिएगा। पैट अगर आपने 22 वाला नहीं दिया तो 23 वाले के फॉर्म जल्दी आ जाएंगे, उसके लिए तैयारी करिए। बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आप निराश और परेशान मत होइए, क्योंकि निराश और परेशान होने का समय नहीं है। असफलता बहुत कुछ सिखाती है ना। जब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो सीधी बात है कि आपकी तैयारी अभी उतनी नहीं हो पा रही जितनी लोगों की तैयारी है, ठीक है ना। तो अच्छे से मेहनत करिएगा, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सफलता क्या होता है दोस्तों, आपको एक बार और मौका देती है ना। मोहम्मद गौरी को याद कर लीजिएगा, उसने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया तब जाके एक बार वो सफल हुआ था। अगर वो एक बार में लौट जाता तो कभी भी भारत पे अपना शासन नहीं कर पाता। बहुत कुछ इतिहास में आपके लिए है, आप देखिए पीछे पलट के, आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिल जाएगा। एक असफलता आपका क्या बिगाड़ लेगी, है ना। मेहनत करिए, अगली वैकेंसी में आपका इससे अच्छी वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है कि आप पैट की तैयारी करें और बहुत अच्छी वैकेंसी आपके हाथ लग जाए। आप लोग तैयारी करते रहिए। अगर आपकी एज है तो यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए लगे रहिए। रेलवे के में सुनने को आ रहा है कि 1-1.5 लाख वैकेंसी और देखने को मिल सकती है। तैयारी करते रहिए दोस्तों, पहले आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत करिएगा, आप अपनी मजबूती सब्जेक्ट पे बनाइए, फिर आप कोई सा भी एग्जाम दें आपका सिलेक्शन होने लगेगा। जब तक आप सब्जेक्ट को मजबूत नहीं करेंगे तब तक दोस्तों ये चीज़ें आपके साथ चलती रहेंगी, 1-1, 2-2 नंबर वाली। अब देखिए 135.75 जिसके 136 नंबर भी हैं वो भी तो श्योर नहीं है, उसका क्वालिफाई तो हो ही गया है वो, है ना। 137 वाला भी यहाँ पे श्योर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाई बच्चे बहुत ज़्यादा आए ना, 655 टोटल, उनको तो 655 ही सेलेक्ट करने हैं, बाकी को तो सबको बाहर निकालना है, तो बाहर कैसे निकलेंगे, कट ऑफ को ऊपर करके निकाला जाएगा। तो आप अगर 1-2 नंबर से बाहर हुए तो आप ऐसा ना समझे कि आप लोग इन लोगों से बेकार हैं। भाई आपका 1 नंबर अगर और ठीक हो गया तो आप भी तो इन लोगों की तरह हो जाते। तो आप भी पढ़ने में बुरे नहीं हैं, आप भी अच्छे हैं, बस ये है कि आपका लक और आपकी मेहनत थोड़ा कम पड़ गई। नेक्स्ट टाइम प्रयास करिएगा, आपको सफलता दोस्तों निश्चित तौर पर मिलनी तय है। आपके मन में अगर कोई सवाल है दोस्तों तो निसंकोच आप कमेंट्स में लिखिएगा, उसका निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके सामने कोई भी किसी तरह की, जैसे मैंने जिक्र किया था कि नंबर ज़्यादा और फिर भी क्वालिफाई नहीं है, तो आप लोग अपनी आंसर को अच्छे से चेक करिएगा और उसके बाद दोस्तों कमेंट्स करके बताइएगा कि सर मेरे साथ वास्तव में ऐसा हुआ है। बात क्लियर हो जाती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का हो गया है वो फिजिकल की तैयारी करें, उनके लिए शुभकामनाएं, अच्छे से मेहनत करें दोस्तों। 25 किलोमीटर का फिजिकल 10 किलो वजन के साथ अपने आप में एक चुनौती है। अच्छे से दोस्तों तैयारी आप करते रहिए। जिन दोस्तों का नहीं हुआ मैं फिर कहूँगा वो अगली वैकेंसी का टारगेट करें, सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बनाएं, और जिन दोस्तों का हुआ है वो आगे अपना फिजिकल अच्छे से करते रहें। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।